तो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि स्नैपडील में हम अपना रिटर्न रिक्वेस्ट कैसा कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना रिटर्न आपने रिक्वेस्ट किया है स्नैपडील में कोई भी ऑर्डर रिटर्न के लिए, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो फ्रेंड, बहुत इजी है फ्रेंड्स। और मैं आपको इसमें तीन तरीका बताने वाला हूँ, तीनों तरीके से आप इजी तरीके से अपना स्नैपडील का ऑर्डर को रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकोगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको स्नैपडील में आपका ऑर्डर रिटर्न किया तो फ्रेंड्स आपका जो पिकअप बॉय होता है वो आएगा भी तो भी आपका कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने है, एक भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना है। तो और आप एक स्टेप मिस कर देते हो फ्रेंड्स तो आपका जो रिटर्न रिक्वेस्ट है इसमें आपको सही से मालूम नहीं पड़ेगा वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमको रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करना है तो हमको पहले कंप्लेंट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। तो हमको पहले कस्टमर सपोर्ट में जाके हम व्हाट्सएप में जाएंगे फ्रेंड, यहाँ से व्हाट्सएप है उनका स्नैपडील का, उस पर हमको जाके कंप्लेंट करना होगा, ये फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप जान लेते हैं हमको क्या करना है। तो हेल्प सेंटर में हमको क्लिक करना है फ्रेंड्स, थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करिए और कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर लिखा है इस पर क्लिक करोगे, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखता है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ आ जाओगे और उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपको प्रेफर लैंग्वेज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद व्यू लिस्ट है, इसमें से आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है फॉर एनी अदर क्वेरी पर आपको सेलेक्ट करके सेंड करना है फ्रेंड। उसके बाद आपको वन ऑफ आया एडवाइज़र कनेक्ट भी थी और शॉर्टली लिख के ऐसा आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो भी कस्टमर सपोर्ट है आपसे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएगा, उसको हमको बोलना है फ्रेंड्स हमारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो कैंसिल करना है। तो चलिए अभी एक जन ज्वाइन हो गया फ्रेंड्स, तो अभी हम इधर मैसेज लिख के भेजेंगे, प्लीज़ कैंसिल माई रिटर्न रिक्वेस्ट। देखिए ऐसा आपको लिख के भेजना है, प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर रिटर्न रिक्वेस्ट। आप चाहे तो कोई भी लैंग्वेज में लिख के भेज सकते हैं, मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दूसरी आपको लैंग्वेज आती है उसमें भी लिख के भेज सकते हैं। तो ये आपको ऑर्डर चेक करेगा, उसका चेक करने का फ्रेंड जो भी आपका रिटर्न रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा करके आप अपना रिटर्न रिक्वेस्ट को फर्स्ट स्टेप ये बताओ फ्रेंड ऐसा भी कैंसिल कर सकते हो। अब आपको ये रजिस्टर मोबाइल नंबर पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर दे देना है, ये चेक करेगा फ्रेंड्स। इसके अंदर आप उनको चेक करना पड़ता है रजिस्टर मोबाइल नंबर से, और आपका नाम पूछेगा वो भी आपको बता देना है। तो फ्रेंड्स इस पर टाइम लगेगा, आपको 5 मिनट लगता है, 5 मिनट के अंदर आपका रिटर्न जो रिक्वेस्ट होता है वो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको फ्रेंड्स आपको बताने वाला सेकेंड स्टेप डायरेक्ट आप स्नैपडील को कॉल करके भी अपना कैंसिल करा सकते हो फ्रेंड्स। रिटर्न रिक्वेस्ट कभी कभी कॉल नहीं लगता है, इसलिए मैंने आपको ये फर्स्ट स्टेप बताया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम तीसरा स्टेप, बहुत इजी है फ्रेंड। जब आपको रिटर्न रिक्वेस्ट करके एक दिन या दो दिन हो जाता है या आपका पिकअप के लिए निकल जाता है डिलीवरी बॉय, वो आपके वहाँ पिकअप लेने वाला है तो फ्रेंड, या नहीं भी लेने वाला तो भी आपके काम की बात है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, उसको मना कर देना है, बोलना हमको रिटर्न नहीं कराना है, तो भी आपका ये कैंसिल हो जाता है। एक OTP मांगेगा आपसे वो रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करने की, तो आपको वो OTP दे देना है और उसके बाद जो भी आपका है वो कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से आप तीनों तरीके से अपना कैंसिल करा सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा आप कैसा अपना कैंसिल करा सकते हो। तो फ्रेंड्स जो भी आपको स्टेप अच्छा लगा वो स्टेप को फॉलो करके आप अपना इजी तरीके से स्नैपडील में रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करा सकते हो फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।